बहरिया से भीलवाड़ा से एक बार फिर से उन्हें उतारा गया है, उनसे खास बातचीत की हमारे फर्स्ट इंडिया संवाददाता ने नवीन जोशी ने, चलिए आपको सुनवाते हैं। कपड़ा नगरी और औद्योगिक नगरी भीलवाड़ा को में भाजपा ने लगातार दूसरी बार सांसद सुभाष बहरिया जो कि उद्योगपति भी और भीलवाड़ा की आम जन की जो छोटी मोटी समस्याओं से लेकर उद्योगपति तक जो मेन रीढ़ की हड्डी भीलवाड़ा की कपड़ा उद्योग, उसकी छोटी से छोटी खामी और छोटी से छोटी परेशानी से अवगत होने वाले ऐसे उद्योगपति पर ही भाजपा ने वापस अपना दाव खेला है। हमारे बीच में आज सुभाष बहरिया है, हम उनसे जानते हैं किस तरह से आज उन्होंने उनके ऊपर पार्टी ने विश्वास जताया है और उनका इस बारे में क्या कहना है। सुभाष जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, पार्टी ने आपके ऊपर विश्वास जताया लगातार दूसरी बार और चौथी बार आपको आज पार्टी ने मैदान में उतारा है, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए? बस यही है कि पार्टी की जो मेरे ऊपर विश्वास किया है उस पर खरा उतरूँगा और सभी से अपील करता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दें, यह राष्ट्र हित में होगा, राष्ट्र के पक्ष में होगा। एक चीज़ और थी सुभाष बहरिया का, इस बार जो सबसे बड़ा फोकस था उद्योगपतियों को GST की समस्या रही हो, ट्रेनों को लेकर रहा हो, सबसे बड़ी उपलब्धि इस 5 साल में आप क्या मानते हैं? काफ़ी उपलब्धियाँ हैं यहाँ पर, जो भी है समस्या के नित्य जो समस्याएं आती है सब में उसके निराकरण के लिए हमेशा सकारात्मक रूप से भाग लिया और सबसे बड़ी उपलब्धि तो कि GST में जो कपड़े में 12% टैक्स लगाने वाले थे सिंथेटिक, उसको 5% करवाया, ये सबसे बड़ी जो है। और उसके अलावा रेलवे के अंदर जो विद्युतीकरण है, मेडिकल कॉलेज है और जो चंबल लाइन इन्होंने केवल कागजों पर रखी थी उसको मूर्त रूप दिया और भीलवाड़ा के पूरे जिले को पानी पिलाया। चंबल के लिए बताया जा रहा है जिस तरह से खासतौर से जो बजट अटका हुआ था उसमें निकालने में आपकी और विधायक क्षेत्रीय विधायक जो हैं लोकल विधायक भीलवाड़ा के, उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही थी, तो उस समय आपको कैसा लग रहा था जिस समय संघर्ष का दौर था चंबल में पैसा लाने का? चंबल में पैसा लाने वाली बात नहीं, बात NOC की थी, जो पर्यावरण की NOC होनी जारी होनी थी वो इन्होंने जारी नहीं करवाई, प्रोजेक्ट बना दिया, बिना जारी किए प्रोजेक्ट नहीं बनता है, इन्होंने बना दिया हुआ वही लूटने के लिए। लेकिन उस प्रोजेक्ट को जो NOC जारी करवानी थी उसके लिए हमने लखनऊ बात की, लखनऊ गए लोकसभा में जो वन पर्यावरण मंत्री थे उनसे बात की और लोकसभा में भी ये मुद्दा उठाया, तब जाके फिर प्रधानमंत्री जी के मुख्यमंत्री जी के सहयोग से उनके PMO के कार्यालय से और मुख्यमंत्री जी के बहुत ज़्यादा जिद्दी से ये काम शुरू हुआ। एक किसानों के आंदोलन खासतौर से अफीम उत्पादन को लेकर आपने जो किसानों में एक निराशा का दौर था, 3 साल तक किसान संघर्ष करते रहते, उसके लिए आप वित्त मंत्री से भी मिले थे और उसको लेकर आपने भी कुछ किया था, उसमें कितने किसानों को फायदा मिला था? उसमें लगभग एक अपने भीलवाड़ा जिले के कोटपी तहसील के 1500 किसानों को फायदा मिला और उसके अलावा करीबन 800 नए किसानों को और अफीम के पट्टे जारी किए। ये थे हमारे बीच में निवर्तमान सांसद सुभाष बहरिया जो उद्योगपति भी हैं, इन्होंने किसानों के मुद्दे के साथ साथ में अफीम जो मेन किसानों का भीलवाड़ा जिले की जो कोटरी बेल्ट है उसके रीढ़ की हड्डी माना जाता है किसानों का, उसके लिए भी प्रयास किया, करीब 800 नए पट्टे जारी कराए। हमारे बीच में सुभाष बहरिया थे, सांसद हैं वर्तमान में और आने वाले समय में इनका कहना है कि आने वाले समय में भी ये इसी तरह से भीलवाड़ा शहर भीलवाड़ा जिले के विकास के लिए, खासतौर से इसमें हिंडोली का भी कुछ हिस्सा जुड़ा हुआ है, उसके छोटे से छोटे मुद्दे को उठाएंगे और उसके विकास के लिए वो आगे भी तत्पर रहेंगे। नवीन जोशी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, भीलवाड़ा।